इलॉन मस्क कहते हैं कि जब भी आप अपना कोई गोल डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उस चीज पे विश्वास करें कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया है वो पॉसिबल है। लोग आपके गोल के बारे में क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं है, आप अपने बारे में और अपने गोल के बारे में क्या सोचते हो ये जरूरी है और आपको इस पे ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग जब अपना गोल डिसाइड करते हैं तो वो डाउट में चले जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपको ये कहना शुरू कर देंगे कि ये चीज मुश्किल है या ये चीज इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपका गोल ऐसा है जो आज से पहले नहीं हुआ तो लोग आपको ये जरूर कहेंगे। इसलिए जब भी आप गोल डिसाइड करते हो वो कितना भी बड़ा गोल हो, लेकिन आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि अगर मैंने ये गोल डिसाइड किया है तो ये चीज पॉसिबल है। और जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और लोग आपके बारे में बातें जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि लोग आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत से फेलियर देखने पड़ेंगे, लेकिन फेल होने में और हार मानने में फर्क होता है। अगर आप फेल हो गए तो आप उस चीज को दोबारा से कर सकते हो, लेकिन अगर आपने खुद ही हार मान ली तो आप अगला स्टेप ही नहीं उठाएंगे, आप उस चीज को दोबारा से नहीं करोगे। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल इलॉन मस्क खुद है। इलॉन मस्क ने घर में ही रॉकेट साइंस सीखी, उन्होंने रॉकेट साइंस की सारी किताबें पढ़ी और फिर एक अनाउंसमेंट की कि मैं रियूजेबल रॉकेट्स बनाऊंगा। जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की तो नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पे सबसे पहले गए थे उनका ये कहना था कि ये आदमी घर में बैठकर रॉकेट साइंस की कुछ किताबें पढ़कर ये कह रहा है कि ये रियूजेबल रॉकेट बनाएगा, और जो हमारे नासा में साइंटिस्ट बैठे हैं वो लोग क्या बेवकूफ है। तो ये नील आर्मस्ट्रांग का कहना था, लेकिन इलॉन मस्क ने 18 इयर्स एक ही चीज पर काम किया, अपने उसी गोल पे काम किया, क्योंकि उन्होंने इस चीज को मान लिया था कि ये चीज पॉसिबल है। तभी वो 18 साल लगातार एक ही गोल पर काम करते रहे और स्पेसएक्स जैसी कंपनी को उन्होंने तैयार किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई गोल डिसाइड करते हो तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, वो आज भी कहेंगे, और जब आप कुछ अचीव कर लोगे वो तब भी कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो गोल डिसाइड किया है क्या आप ये मानते हो कि वो गोल आप अचीव कर सकते हो और वो चीज पॉसिबल है, स्पेशली जब भी आप बिजनेस करने की सोच रहे हो। क्योंकि बिजनेस आइडिया जब आप लेके आते हो तो लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है, और तभी आप उस चीज को सच में पॉसिबल बना पाओगे। लेकिन अगर आपने डाउट कर लिया तो 99% चांसेस है कि आप हार जाओगे, आप नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने गोल के बारे में क्या सोच रहे हो, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।